Hello students, in this session we are going to learn exercise number 3.1, question number 2. So the question number 2 is how many diagonals does each of the following have? Now we have a question mein kya convex quadrilateral and a regular hexagon. Now quadrilateral and hexagon kya hai? So this is the types of polygon. Polygon ki side ke upar se uske names diye gaye hai, jaise ki 3-sided polygon triangle, 4-sided polygon quadrilateral, 5-sided polygon pentagon, 6-sided polygon hexagon, 7-sided polygon heptagon, 8-sided polygon octagon, 9-sided polygon nonagon and 10-sided polygon decagon. तो यहाँ पे first क्या है? A convex quadrilateral. Quadrilateral में कितनी sides होती है? 4. Okay? So यहाँ पे हमने formula लिया है. वहाँ पे n is equal to क्या आएगा? 4. Because quadrilateral में कितनी sides होती है? 4. Now यहाँ पे हमें इसके figure जो है उसके diagonals find करनी है कि diagonals कितनी होगी. तो ये हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकली फिगर ड्रॉ करके और एक हम फॉर्मूला रख के करेंगे. ना क्वाड्रिलेटर है तो क्वाड्रिलेटर यानी कि 4-sided पॉलीगन. ओके, सो यहाँ पे हम पॉलीगन एक ड्रॉ करेंगे जो 4 साइड से बना है, लाइक दैट. यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम कितने डायगोनल्स बना सकते हैं. डायगोनल्स यानी कि अंदर के पोर्शन में बाउंड्री को टच करके जो हम लाइन बनाएंगे, दिस इज द डायगोनल्स. सो ये कैसे डायगोनल बनेगा? सेकेंड ऐसे बनेगा. हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटर में कितनी डायगोनल्स बन सकती है? 2. वो हम फॉर्मूला रख के भी सम कर लेते हैं कि कितना आंसर आ रहा है. सो फॉर्मूला इज एन इज एन इन द ब्रैकेट एन माइनस 3 अपॉन 2. अब यहाँ पे एन इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? 4, बिकॉज क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड्स होती है? 4. तो यहाँ पे हम एन इज इक्वल टू 4 लेंगे. 4 इन द ब्रैकेट 4 माइनस 3 अपॉन 2. 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 1. देन 4 इन टू एज इट इज 4 वन जा 4, 2 का 2 कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2. तो प्रैक्टिकली अगर हमने किया तो यहाँ पे आंसर क्या आया था? 2 डायगोनल्स ड्रॉ हुई थी. और अगर हम फॉर्मूला रख के सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, जो चाहे वो कर सकते हैं. नंबर 1 जो वो सेकेंड वन, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन. नाउ हेक्सागन में कितनी साइड्स हो सकती है? 6. सो यहाँ पे अगेन इज इक्वल टू हम क्या लेंगे? 6. ये सब आप 6-sided polygon draw करके, ऐसे बीच में diagonals draw करके आप खुद try कर सकते हो. अभी हमने formula लेके sum किया. N in the bracket n minus 3 upon 2. तो यहाँ पे n is equal to क्या आएगा? 6. Then in the bracket 6 minus 3 upon 2. 6 minus 3 क्या हो जाएगा? 3. Then 6 3 is 18 and 2 का 2. ना यहाँ पे cut हो जाएगा. So 9 2 is 18 होगा. 2 cut. Answer क्या आएगा? 9. तो अगर आप 6-sided polygon draw करके फिर उसमें लाइन सेगमेंट सॉरी डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो कितना आएगा? 9. ओके, सो फर्स्ट एंड सेकेंड यानी कि ए एंड बी मैंने किया है, सी जो है वो आपको होमवर्क में ट्राई करना है. ओके,